हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जूनियर मैनेजर, जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव पोस्ट की और अन्य वेरियस पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा, साथ में हम बात करेंगे ऑफलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड बात करते हैं जो हमारी निकली भर्ती के बारे में, डीएफसी सी और आईएएल की वैकेंसी है उसके बारे में करते हैं। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी है जिसमें एडवर्टाइज नंबर 1/2021 का आया था, ठीक है। यहाँ पे आपको इनवाइट करता है एप्लीकेशन इमीडिएट ऑब्जर्वेशन बेसिस फ्रॉम एक्सपीरियंस स्टाफ वर्किंग इंडियन रेलवे ऑन परमानेंट बेसिस। यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट है, इट्स ऑपरेशन मेंटेनेंस फेस एंड शो टेबल पैराट्री, ठीक है। यहाँ पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपकी जो वेरियस पोस्ट हैं जिसमें डिपार्टमेंट सिविल की, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव की, इलेक्ट्रिकल की, एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव, एसएमटी की एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी हैं। यहाँ पे सैलरी आपकी 50 से 1,60,000, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की 30 से 1,20,000, यहाँ पे आपके इसी तरीके 30 से 1,20,000 और जूनियर एग्जीक्यूटिव की 25 से 68,000 है। एसएमटी की आप देख सकते हैं 30 से 1,20,000, 25 से 68 आपकी 1,000 सैलरी है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आप जैसे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें, एम्प्लॉय वर्किंग इन रिलेवेंट डिपार्टमेंट एनालॉगस ग्रेड आपका लेवल 8 7 CPC P2 विद आपका ग्रेड पे 4,800 रहेगा, ठीक है। एम्प्लॉय वर्किंग रिलेवेंट डिपार्टमेंट एनालॉगस ग्रेड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ओपी एंड सेफ्टी जूनियर मैनेजर की E2 कैटेगरी है, 50 से लेकर 1,60,000 वैकेंसी है, ठीक है। आपका एम्प्लॉई वर्किंग इन रिलेवेंट डिपार्टमेंट एनालॉगस, यहाँ पे पे लेवल आपका जो 8 का होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं। एग्जीक्यूटिव का जैसे कि E0 30 से लेकर 1,20,256, जूनियर एग्जीक्यूटिव की N5 यहाँ पे 25 से 68, यहाँ पे आपकी 250 वैकेंसियाँ हैं। मैकेनिकल जूनियर मैनेजर की E2 50 से 1,60,000, 4 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे E0 की 4, जूनियर एग्जीक्यूटिव की 16 वैकेंसी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम एज जो रखी है 55 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, लास्ट डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्रूशियल डेट आपकी डिटरमाइन, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस और एज जो आपकी लास्ट डेट फिक्स है आपकी होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म के, ठीक है। तो लास्ट डेट जो आपकी होनी चाहिए वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए आपके लास्ट डेट के जो एप्लीकेशन फॉर्म है। तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में दे रखा है, आप कैसे कर सकते हैं। कैंडिडेट एडवाइस टू स्ट्रिक्टली फॉलो एप्लीकेशन फॉर्मेट सेम, और आपको एक 4 साइज पर निकालना है इंग्लिश लैंग्वेज में। ब्लैक आपका बॉल पेंट का यूज करें, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपरली साइन, अनसाइंड एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर, ठीक है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आपको फॉरवर्ड करना है थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है, वुड ओनली कंसीडर। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रेजेंट प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के और क्लियरली इंडिकेट लेंथ ऑफ सर्विस रिलेवेंट ग्रेड फील्ड एज प्रिस्क्राइब अंडर द एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं पूरी डिटेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट है आपकी रिसिप्ट 45 डे और डेट ऑफ इशू एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इसका जो फॉरम है ऑफलाइन फॉरम, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट, नेम ऑफ कैंडिडेट का, फादर या हस्बैंड का नाम, कंप्लीट आपका एड्रेस, ठीक है, एप्लीकेशन का। यहाँ पे आपको कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट, कैटेगरी, यहाँ पे पोस्ट आपका प्रेजेंट पोस्ट, डेजिग्नेशन एंड इंडिकेट डेट द इफेक्ट विच यू प्रेजेंट होल्ड इन रेगुलर बेसिस, एग्जामिनेशन पास आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में आ रहा है, ठीक है। स्टेट क्लियर आपका क्लियरली वेदर एक्सपीरियंस ग्रेड इन विच वर्किंग एजुकेशन यहाँ पे आपको देने, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्रोसेस यहाँ पे आपको दे रखा है। डिटेल एम्प्लॉयमेंट क्रॉनिकल ऑर्डर में देना है सेपरेट सीट पे, ठीक है। नेचर ऑफ आपका प्रेजेंट एम्प्लॉई यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल, ये आपकी फॉरम की, इसको फॉरम को भरकर भेजना होगा, ठीक है। सर्टिफिकेट आ रहा है कंट्रोल अथॉरिटी का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जानकारी है आपकी जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो फ्रेंड ये मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है जिसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है इसकी आपका डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट से 45 डे के बीच में आपको ये
फॉर्म को भरना है। 2 मार्च आपका 3/2021 का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े, डेली आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी या वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।